कि तीन डीएम तीन एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आएं। देखिए, जो बूथ कब्जा करने वाले लोग होते हैं, जब वो बूथ नहीं कब्जा कर पाते हैं तो उनको छटपटाहट होती है। समाजवादी पार्टी मतलब बूथ पर कब्जा करो, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों अपराधियों माफियाओं दंगाइयों का एक गैंग एक उनके पास रहता है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर शक्ति है बूथों पर कब्जे वह नहीं होने दे रहे हैं तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और कहीं पर भी हम लोग निष्पक्ष मतदान चाहते, देश के बहुत सारे राज्य हैं जहां बूथ कैप्चरिंग की प्रथा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग करने के सदा खिलाफ है। हम लोगों की सेवा करके अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी उपलब्धियों के आधार पर समर्थन मांगते हैं और लोगों को वोट मिलता है। सपा चूंकि चुनाव हार रही है, कांग्रेस चुनाव हार रही है, बसपा चुनाव हार रही है, तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं कि हम 79 सीटों पे जीत रहे हैं, सिर्फ एक सीट पे हमारी लड़ाई है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं, पांचवी हार के द्वार पर खड़े हैं। जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी तब जैसे आज वह आरोप लगा रहे हैं बूथ कैप्चरिंग का, कोई न कोई नया आरोप लगाने का स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत करारी पराजय की ओर है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन पराजय की ओर है और भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन बड़ी विजय की ओर है। अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कन्नौज के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लखनऊ से अधिकारी भेजे गए हैं। देखिए, इससे यह पता चल गया है कि मतदान से पहले और मतगणना से पहले श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके हैं। जैसा मुझे पहले लग रहा था कि कन्नौज भाजपा का गढ़ है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है और आज वहां निश्चित तौर से कमल का फूल खिल रहा है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगने शुरू हुए। सर, एक आखिरी सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मोदी शाह जो है वो 4 जून को अगर जीत गए तो देश के लोगों को गुलाम बना देंगे। देखिए, कांग्रेस जिस मानसिकता की पार्टी है उसी मानसिकता से सोचती है। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र के पुजारी हैं और संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके जिस प्रकार से अंदर प्रवेश करते हुए मतलब संसद भवन के प्रवेश द्वार पर उन्होंने माथा टेका और वहां प्रणाम करके तब मंदिर के अंदर घुसे, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस प्रकार से संविधान को अपना धर्मग्रंथ बताया, जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अपनी सरकार को समर्पित करके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, वह अस्पष्ट है कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी है, उसका इंडी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पुजारी है, संविधान की पुजारी है, संविधान के अनुसार देश की सेवा करती है।